सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर क्यों बैठे थे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी और पांडु पुत्र भीमसेन दोनों भाई थे, क्योंकि दोनों वायु पुत्र थे। बात उस समय की है जब सभी पांडव द्रौपदी के साथ बद्रिक आश्रम में रह रहे थे, तो एक बार एक सहस्त्र दल वाला कमल वो हवा में तैरता हुआ द्रौपदी के पास आया। उसकी गंध से द्रौपदी उस कमल के ऊपर मोहित हो गई और द्रौपदी ने भीमसेन से ये कहा कि आप मेरे लिए वो कमल ला दीजिए ताकि मैं धर्मराज युधिष्ठिर को वो भेंट दे पाऊँ। वो सहस्त्र दल वाला कमल लेने के लिए, युधिष्ठिर को भेंट देने के लिए भीमसेन उस कमल की दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते वो एक पर्वत के ऊपर पहुंचे जिसका नाम था गंधमादक। उसी पर्वत के ऊपर एक बड़ा बागीचा था जो कई सारे योजन में फैला हुआ था। किसी को पता नहीं था कि उस बगीचे के अंदर स्वयं हनुमान जी रहते हैं। जब हनुमान जी ने जाना कि उनका भाई भीमसेन बागीचे के अंदर आ रहा है, तो उन्होंने वहां से जाने वाली एक पतली सी सड़क को रोक लिया। वो वहां पर बैठ गए और भीमसेन की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने भीमसेन का मार्ग रोक लिया। जब भीमसेन ने उस वृद्ध वानर को देखा तब उन्होंने उनसे उनका मार्ग छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने यह कहा कि अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो मुझे लांघ के चले जाओ। भीमसेन ने कहा कि हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा का वास होता है, इसलिए मैं आपको लांघ नहीं सकता। थोड़ी देर में दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। हनुमान जी भीमसेन का रास्ता छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। जब भीमसेन उग्र होने लगे तब हनुमान जी ने भीम को अपना वास्तविक परिचय दे दिया कि मैं स्वयं तुम्हारा भाई पवन पुत्र हनुमान हूं। भीमसेन उनके पैरों में गिर गए और भीमसेन ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वो उनको चारों युग युग के आचरण धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान दे। हनुमान जी ने भीमसेन को सभी ज्ञान दिया। इसके साथ भीम ने हनुमान जी से ये इच्छा प्रकट की कि रामायण के काल में आपने समुद्र को लांघते समय जो विराट स्वरूप धारण किया था, उस स्वरूप के मुझे दर्शन करना है, कृपया आप वो स्वरूप मुझे दिखाइए। लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि वो समय कुछ और था, अभी समय कुछ और है। उस समय कोई अलग युग चल रहा था, अभी कलयुग आने वाला है। इसलिए हम देवी देवता भी समय के साथ बंधे हुए होते हैं, इसलिए अभी मैं तुम्हें मेरे उस विराट रूप का दर्शन नहीं करवा सकता। लेकिन भीम ने जब जिद अपनी जारी रखी तब हनुमान जी ने भीमसेन को अपने विराट रूप का दर्शन करवाया। वो रूप उगते हुए सूर्य के समान था और भीमसेन उसे देख नहीं पाए। उनकी आंखें उस स्वरूप के सामने निस्तेज होती जा रही थी। इसलिए भीमसेन ने कहा कि आप कृपया अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए, क्योंकि मैं अपनी सामान्य दृष्टि से आपका ये स्वरूप नहीं देख पाऊंगा। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। हनुमान जी ने भीमसेन से ये कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, अगर तुम कहो तो अभी मैं धृतराष्ट्र को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं दुर्योधन को, दुशासन को तुम्हारे सामने बंदी बनाकर प्रस्तुत कर सकता हूँ, जिससे युद्ध टल जाएगा। लेकिन भीमसेन ने कहा कि वो धर्म के मार्ग से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो सिर्फ हमें युद्ध में सहायता करना। हनुमान जी ने भीमसेन को वचन दिया कि जब तुम दुश्मनों का संहार कर रहे होंगे, जब तुम दुश्मनों के सामने अपना सिंहनाद करोगे, तब तुम्हारे साथ मैं भी युद्ध के अंदर सिंहनाद करूंगा और मेरा सिंहनाद सुन के दुश्मनों के प्राण उसी क्षण निकल जाएंगे, तुम्हें हथियार चलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह से हनुमान जी ने भीमसेन की सहायता की थी। बाद में भीमसेन ने हनुमान जी को ये कहा था कि मुझे सबसे अधिक चिंता मेरे भाई अर्जुन की है, क्योंकि वही एक महाधनुर्धर है और कर्ण और जितने भी जो महाधनुर्धर कौरव पक्ष है वो उनको मारने का प्रयास करेंगे, तो आप कृपया अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर भयानक से भयानक अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कौरव द्वारा होगा। अगर मेरा वजन उस रथ के ऊपर होगा तो रथ को कोई भी हिला नहीं पाएगा। तो इसी वरदान के कारण बाद में हनुमान जी भीम जी के साथ लड़ रहे थे और इसी तरह से वो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे। आपको शायद ही पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब अर्जुन के रथ के ऊपर से हनुमान जी और कृष्ण वो जब नीचे उतर गए, उसी क्षण अर्जुन के रथ में विस्फोट हो गया था, क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर शत्रुओं ने इतने सारे अस्त्र और शस्त्र चलाए थे, लेकिन ईश्वरीय कृपा के कारण वो अभी तक टके रहे थे।
और धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।